नमस्कार, बीसीएन न्यूज के doctors.com इस शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस doctors.com शो के जरिए हम आपको इस शो में कुछ ऐसे डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट डॉक्टर्स से मिलाते हैं जो किसी विषय पर या फिर किसी बीमारी से संबंधित अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। तो आज ऐसे ही शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक से हमारे साथ है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर मयूर गुप्ता सर, जो कि संचालक है, और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर रचना गुप्ता जो कि शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक से है। आप दोनों का ही हमारे doctors.com शो में स्वागत है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि आजकल वात रोग जो है वो काफी पैमाने पर देखा जा रहा है। यूजुअली एक एज क्रॉस करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं हो या फिर बुजुर्गों को वात रोग से जुड़ी चीज़ों की दिक्कतें आ रही है और साथ ही वात रोग से जुड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जो वात रोग जो बीमारी है ये आखिर होती क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के तीन मूल माने गए, वात, पित्त और कफ। ये तीनों हमारे शरीर में जब बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जैसे ही वात, पित्त और कफ ये तीनों का बैलेंस हमारे शरीर में कम ज़्यादा होने लग जाता है तो ये विकृत हो जाते हैं और अलग अलग रोगों का निर्माण शुरू करने लग जाते हैं। और जैसे ये प्राकृत स्टेज में होते हैं, जैसे अगर हमारा जो वात है शरीर का वो अगर प्राकृत स्थिति में है तो इसका मेन कार्य है कि हमारे शरीर की गतियों को कंट्रोल करना। तो वो नॉर्मली हमारे शरीर के सारे गतियों को और क्रियाओं को कंट्रोल करता है, लेकिन जब ये बिगड़ता है, इसमें विकृति आती है, तो फिर ये जो हमारे गतियां हैं उस पर से इसका कंट्रोल कम होने लग जाता है और अलग अलग लक्षण निर्माण करने लग जाता है। और इसी जो विकृत वात है, इसी कारण जो रोग होते हैं उन्हीं को हम वात रोग कहते हैं। जिस तरीके से आपने बताया मैम अभी कि आयुर्वेदा के कुछ वात, पित्त वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो क्या वात रोग के साथ भी ऐसा ही होता है? क्या इसके भी कुछ प्रकार है? हमारे ग्रंथों में, चरक संहिता में वात रोग के 80 प्रकार बताए गए, लेकिन कॉमनली जब हम क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं तो हमें जो मिलते हैं वो है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि संधिवात है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम आम वात कहते हैं, पैरालिसिस है, पक्षाघात, और गुरुद्रसी है जिसको शैटिका बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ये सब भी हमें ज़्यादातर देखने के लिए अभी मिलते हैं। जिस तरीके से आपने कहा मैम कि संधिवात कहीं ना कहीं एक कॉमन प्रकार है, और मैंने भी अक्सर बहुत लोगों में देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये संधिवात होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये वात विकृत स्टेट में चले जाता है, अपने प्राकृत स्टेट को छोड़ देता है, विकृत हो जाता है, तब ये संधियों में जाके, यानी हमारे जॉइंट्स में जाके स्थान संशय कर लेता है और वहाँ पे अलग अलग जो लक्षण है वो निर्माण करता है, तो उसी को हम संधिवात कहते हैं। तो इसमें हमें पेशेंट में ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट के संधियों में यानी जॉइंट्स में हमें दर्द दिखता है, या सूजन होती है, या अकड़न होती है, जकड़न होती है, और उसको संधियाँ हिलाने में या पैर हाथ जो भी है उसके हिलाने में उसको तकलीफ होती है, उसको हलचल करने में तकलीफ होती है, और संधियों से कभी कभार आवाज़ भी आने लग जाती है, कटकट आवाज़ आती है। और कुछ कुछ पेशेंट्स में हमें जो जोड़ होते हैं, संधियाँ होती है, उसमें उसके जो आकार है उसमें विकृति दिखाई देती है, जो नॉर्मली उसका शेप है वो चेंज होने लग जाता है। जिस तरीके से आपने भी बात की जॉइंट्स के दुखने की वगैरह, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर पे बुजुर्ग है उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब अगर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया तो घुटनों में ज़्यादा दर्द देखा जाता है, और ऐसा है कि आजकल 30 के बाद भी बहुत सी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी यही चीज़ होती है कि घुटने में दर्द हो रहा है, तो मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ कि आजकल जो इतना घुटनों का दर्द लोगों में होता है इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे घुटने में एक बोन होता है जिसको हम पटेला बोलते हैं, उसके पास 13 बरसी होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं, और साथ में ही तेल ग्रंथियां होती है, और ये तेल ग्रंथियां जो है वो उसको पोषण प्रदान करती हैं और उसके हालचाल में मदद करती है, और इसी को हम साइनोवियल फ्लूइड या श्लेष्मक कफ कहते हैं। और जैसे ही हमारी आयु बढ़ती है या हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो ये जो है तेल ग्रंथियां है वो सूख जाती है,
और उसके कारण जो हालचाल है वो बराबर नहीं हो पाती और हड्डियां घिसने लग जाती है। हड्डियां घिसने के कारण उसमें दर्द निर्माण होता है, इसलिए पेशेंट को वहां पे दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभार किसी में कटकट आवाज आना ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो जिस तरीके से आपने वात रोग के बारे में बताया, क्या इसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को वात रोग हो गया, मतलब किसी महिला या पुरुष को एक उम्र के बाद वात रोग हो गया और उसका उसे निदान करना है, तो किस तरीके से किया जाता है? जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम पहले उसके लक्षणों को देखते हैं कि उसको कैसे लक्षण है, दर्द है, सूजन है, उसके हिसाब से हम ये निर्धारित करते हैं कि उसका क्या निदान है, किस प्रकार का उसको वात रोग हुआ है। और मेनली तो हम पेशेंट को चेक करने के बाद, उसका चेकअप करने के बाद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल पेशेंट्स है, तो हम फिर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि MRI है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, या फिर यूरिक एसिड है और RA फैक्टर है, इसको भी हम बोलते हैं। जिस तरीके से आपने बता मतलब हमें पता है कि आप शिव शंकर आयुर्वेद क्लिनिक से हैं, तो आयुर्वेदा से जब आपका नाम ही बता देता है कि आयुर्वेदा का एक क्लिनिक है, मैं जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा में वात रोग या फिर इसका निदान किस तरीके से किया जाता है? अभी हमारे पास जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉर्मुलेशंस है, वो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो वो पेशेंट्स में एक हफ्ते में ही वो आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें हम पेशेंट्स की जो प्रकृति है और उसको कौन सा वात रोग हुआ है, ये दोनों को ध्यान में रख के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसके थ्रू उसको जल्दी रिलीफ मिलता है। सर, आयुर्वेदा की बात अभी निकली और हमने ये देखा है कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोगों का जो लगाव है वो आयुर्वेदा के प्रति बढ़ गया है। लोगों ने इस कोरोना काल में कई काढ़ों का सेवन किया, साथ ही कई जो टॉनिक होते हैं आयुर्वेदिक टॉनिक उनका सेवन किया। और जिस तरीके से आप शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के जो शहर का एक सबसे बड़ा क्लिनिक हम कह सकते हैं उसके संचालक आप हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आयुर्वेदा के प्रति लोगों का लगाव आजकल बढ़ गया है? इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, आयुर्वेद तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है हमारे लिए आजकल, और इससे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ आराम भी मिल रहा है और लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ लेकर के अपने आप को लाभ भी पहुँचा रहे हैं इस चीज़ों से। और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत ऐसा है कि वो रोगों को जड़ से, मूल से ठीक करता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि आयुर्वेद सिर्फ रोगियों के लिए ही है। आयुर्वेद एक अच्छे व्यक्ति को या स्वस्थ व्यक्ति को और कैसे अच्छे से अच्छे हम स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों का बारे में बताया गया है कि जैसे हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या किस तरीके की होनी चाहिए। हमारा दिनचर्या मतलब सुबह हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक के दिन भर हमें एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम हर चीज़ समय के अनुसार करनी चाहिए। ये सब चीज़ों का भी उसमें आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे से उल्लेख किया गया है ताकि हम शरीर को और अच्छे से अच्छा मेंटेन रख सके। दूसरी बात, उसमें जो ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है, ऋतुचर्या बोले तो साल में जैसे 6 ऋतु होती है, तो उसमें हमें क्या आहार विहार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या अपथ्य पालना चाहिए, क्या अपथ्य को ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ों से, जिससे कि हम अपने शरीर को अच्छे से संभाल के उसका पोषण कर सके, उसका ध्यान रखे, उसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके, इस बारे में भी हमारे आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे से बताया गया हुआ है। हमारे आयुर्वेद में पंच भौतिक शरीर के बारे में भी जानकारी दी गई है। पंचभौतिक का मतलब ये होता है कि पंचभौतिक चिकित्सा जो कि आयुर्वेद और खनिज पदार्थों से बनाई गई है, और हमारा शरीर भी पंचभौतिक आयुर्वेद में बताया गया है, तो इसलिए अगर हम पंचभौतिक आयुर्वेद में जिस तरीके की जड़ी बूटी और खनिज से आयुर्वेद बना हुआ है वो अगर उपयोग में लाते हैं तो हमें जल्द से जल्द और अच्छा आराम मिलता है, और इस कारण से हम लोगों को कम से कम साइड इफेक्ट्स में या नहीं के बराबर साइड इफेक्ट्स में हमें आयुर्वेद को उपयोग में लाना चाहिए।
तो जिस तरीके से सर आपने बताया कि आयुर्वेदा का किस तरीके से क्या आयुर्वेदा एक्चुअली है और लोगों का इसमें किस तरीके से लगाव पड़ रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि वात रोग के बारे में हमने बात की और अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी का ताल्लुक हमारे डाइट से होता है। मतलब अगर जिस तरीके का हम खान पान करते हैं वही हमारी बीमारी को मतलब बहुत बार इफेक्ट करता है। तो अगर अच्छा डाइट हो और अच्छी सारी चीज़ें हो तो हमें बीमारियाँ यूजुअली नहीं होती। तो क्या वात रोग में ऐसा है कि हमें प्रॉपर डाइट का पालन करता है पड़ता है, या फिर इसके किस तरीके से पथ्य होते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वात रोग में हमें सुपाच्य आहार लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, और स्निग्ध आहार लेना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी इसमें पथ्य और अपथ्य, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि पथ्य क्या होता है और अपथ्य क्या होता है। तो पथ्य वो चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए हितकारक होती है, जो फायदेमंद होती है, जो हमें लेनी चाहिए, उसे हम पथ्य बोलते हैं। और अपथ्य वो चीजें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, जो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो पथ्य में वात रोग के आता है कि लहसुन है, अदरक है, मेथी है, ये सब चीजें औषधि के रूप में हमारे शरीर में काम करती है वात रोगों में। और अपथ्य जो है वात रोगों के लिए, उसमें आता है उड़द की दाल, चावल, मटर, खट्टी चीजें जैसे कि टमाटर, दही, छाछ, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मतलब अगर इन सारी चीजों का प्रॉपर पालन अगर हम करें तो कहीं ना कहीं वात रोग से निदान पाया जा सकता है। कहते हैं कि किसी भी बीमारी मतलब जो नहीं होनी चाहिए उसके लिए भी पहले से हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे अगर हार्ट की बात कही जाए तो उसके पहले हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं उसका निदान हमें मिल सकता है। और क्या ऐसा ही वात रोग के साथ है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को संभावना है कि वात रोग होगा तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि भाई वात रोग हो ही ना, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, तो इसका मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, यानी रोग हो ही ना उसको, इस प्रकार अपने शरीर को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो वात रोगों से बचने के लिए पहले तो है कि हम जो पथ्य अपथ्य बताए हैं मैंने उसको ध्यान में रखें, और दूसरा है कि आप बैठते समय, पढ़ते समय, लैपटॉप में काम करते समय अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखें, सीधा बैठे, और चलते समय भी अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए, झुक के नहीं चलना चाहिए, और काम करते समय ज्यादा प्रेशर अपने जॉइंट्स पे नहीं डालना है, और कैल्शियम युक्त आहार लेने की ज्यादा जरूरत है। ओके, तो मतलब ये सारी चीजें हैं जिससे हम वात रोग से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा है आपके साथ, और एक बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप आज हमारे दर्शकों को मतलब क्या टेक होम मैसेज देंगे? जैसे मैंने परहेज बताए हैं, पथ्य अपथ्य बताए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, और बॉडी के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको ऑयल मसाज करना चाहिए डेली, और डेली एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगा है, इसको करने से भी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और वात रोगों से दूर रहेंगे। अच्छा, मतलब कुछ चीजें हैं, मतलब अगर खुद का ख्याल अच्छे से रखा जाए, प्रॉपर डाइट लिया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए तो वात रोग से बचा जा सकता है, और बहुत सारी बीमारियां मतलब अगर हमने डाइट मेंटेन कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक चीज है। बहुत अच्छा सेशन रहा आज आप दोनों के साथ, और बहुत सारी वात रोग से जुड़ी या फिर आयुर्वेदा से जुड़ी हमने बहुत सारी जानकारी आज ली है। डॉक्टर शिवशंकर आयुर्वेद से डॉक्टर मयूर गुप्ता और रचना गुप्ता ये हमारे साथ थी आज, इनसे बहुत सारी बातें हुई। पर फिलहाल हमारे पास समय की पाबंदियां है, इसलिए आज का ये doctors.com का ये सेशन आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे अन्य और बातों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।